हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेपीसीएम ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज से इस चैनल पे यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड आज की इस वीडियो की शुरुआत हम सिलेबस के हिंदी से शुरू करेंगे। एंड उसमें फर्स्ट आपका भाषा तथा व्याकरण है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि जो हिंदी भाषा है उसका कौन सा ऐसा रूप है जिसको जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्वी हिंदी एंड पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी बीएड 2013 में पूछा गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खड़ी बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस करते हैं, जो कि है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। पहला है 3, दूसरा है 4 एंड तीसरा है दोस्तों 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे हिंदी की जो टोटल उपभाषाएं हैं वो हैं 5, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर ले दोस्तों, तो वो है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1965 में एंड ऑप्शन डी है 1970 में। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2011 में। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो जो हिंदी शब्द मिला है हिंदी को, वो किसने दिया है आखिर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कि 2011 में आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेंशनड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ऑप्शंस हैं कि पहला आर्यों ने, एंड दूसरा है ईरानियों का, एंड तीसरा है कि यूनानियों का एंड तुर्कों का। तो इसका जो आपको राइट आंसर मिलेगा वो है ईरानियों का, यानी कि जो ईरान के लोग थे उन्होंने हिंदी शब्द जो है वो हिंदी को दिया था। एंड अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। एंड जो दोस्तों पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि देवनागरी, दूसरा है गुरुमुखी, तीसरा है अपभ्रंश एंड चौथा है संस्कृत। तो दोस्तों जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो है गुरुमुखी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2010 में जो है आया हुआ है दोस्तों। एंड ऑप्शन है कि 343, 346, 356, 360। तो दोस्तों हिंदी जो है वो 343 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो है कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज, उसको राजभाषा मतलब किस डेट को एंड किस सन में जो है उसको बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को एंड लास्ट ऑप्शन है कि 11 सितंबर 1955 को। तो दोस्तों हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है इसी तारीख को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो दोस्तों अपने भारत देश में सबसे पहले जहाँ तक हमें न्यून है वो था कि हिंदी के पहले हम लोग संस्कृत बोलते थे, एंड उसके पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो वो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 में जो है ये आया था क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दे रखे हुए हैं दोस्तों कि पाली भाषा, मगधी भाषा, प्राकृत भाषा या फिर हिंदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है प्राकृत भाषा। तो संस्कृत के पहले प्राकृत भाषा को लोग बोलते थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस करते हैं, जो कि है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपको जो है थोड़ा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वह है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा इसका आंसर, तो चलिए इसको कराते हैं जल्दी से। ये भी 2010 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि लौकिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है कि वैदिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है कि सौर सेमी अपभ्रंश एंड जो है लास्ट ऑप्शन है वो है मगधी।
तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि हिंदी की उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है कि अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें से। पहला है कि नमाज है, या दूसरा दीदार, या तीसरा गुनाह, एंड चौथा गवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुनाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, जो कि 2010 में पूछा गया था। तो पहला है कि श्याम सुंदर दास, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है कि रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो महावीर जो है प्रसाद द्विवेदी, ये इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, रिक्शा जो है वो किस भाषा का शब्द है। 2010 में आया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। पहला है चीनी, दूसरा है रूसी, एंड तीसरा है जापानी, एंड चौथा है जर्मनी। तो रिक्शा जो है आप जो है वो जापानी भाषा है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, जो कि 2010 में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि टिप्पण, दूसरा है आरोपण, तीसरा है प्रस्ताव, और चौथा है प्रारूपण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राफ्टिंग का जो हिंदी अनुवाद वो प्रारूपण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मली पता होगा, नहीं तो चलिए आइए ऑप्शंस में देखते हैं। तो पहला है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को, दूसरा है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, तीसरा है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, एंड चौथा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो नॉर्मली इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन राइट वो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, एंड दूसरा है हिंदी, एंड तीसरा है मराठी, एंड चौथा है मैथिली। तो ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को करना है, एंड आपको कमेंट करना है कि कौन सी ऐसी जो है भाषा है जो कि महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो चलिए अगर आप नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि है हिंदी भा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एग्जाम में मिल भी सकता है कि जो है हिंदी कंपलसरी है किन राज्यों में, और उनकी राजकीय भाषा भी कहलाती है। तो पहला है कि 9 राज्य, दूसरा है 10, तीसरा है 13, चौथा है 15। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 10, यानी कि आपके 28 स्टेट्स में केवल 10 ही ऐसे स्टेट हैं जिनमें हिंदी भाषा को राजकीय भाषा जो है अलाउड किया गया है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों और आपको मिल भी सकता है। तो आइए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है कि अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, एंड अनुच्छेद 370। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आपको हिंदी में जो है राजभाषा माना गया है, हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है कि किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ये किसी ने, चाहे जिसी ने कहा होगा दोस्तों वो अच्छा ही कहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट में है कि महर्षि दंडी, एंड है कि आचार्य शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य द्विवेदी। तो ये सेंटेंस जो है दोस्तों महर्षि दंडी जी ने कहा था, तो उनकी तरफ से ये वर्ड जो है प्रोनाउंस वर्ड किया गया था। तो ये है राइट आंसर इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि पाणिनि की रचना का क्या नाम है। पहला है कि वेदांग ज्योतिष, तीसरा सॉरी दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है नाट्यशास्त्र। तो जो पाणिनि की रचना का नाम है दोस्तों वो है अष्टाध्यायी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो है कि व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती, यानी कि व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी आपको नहीं मिलती। पहला है कि ध्वनि, दूसरा है लिपि सॉरी शब्द, तीसरा है वाक्य, और चौथा है लिपि। तो दोस्तों व्याकरण से नॉर्मली आपको लिपि की जो है अस्तित्व की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो दोस्तों इसको आपको बिना कुछ देखे आपको सीधे देवनागरी पे लगा के चले आना है। ओके, ये इसका राइट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, और तीसरा है श्याम सुंदर दास, और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों जो किशोरी दास वाजपेयी जी थे इन्होंने मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया था सबसे पहले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है। तो पहला है योग वशिष्ठ, दूसरा है सुधा सागर, तीसरा है सत्यार्थ प्रकाश, एंड चौथा है वेदांत है। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सत्यार्थ प्रकाश। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो दोस्तों जो कन्नौजी है वो जो है उसको आइए देखते हैं हम ऑप्शंस में, तो है कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी हिंदी जो होती है वो हिंदी की एक उपभाषा की बोली है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं तो है कि निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की कौन सी इसमें बोली है। तो पहला है कि बुंदेली, दूसरा है मगही, तीसरा है हड़ौती, और चौथा है अवधी। तो दोस्तों जो इसमें से ऑप्शन नंबर बी है यानी कि मगही होती है वो बिहारी हिंदी की बोली होती है। एंजली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कि भाषा का आरंभ होता है। तो दोस्तों भाषा का आरंभ जो होता है वो होता है किससे। ऑप्शन है यहाँ पे ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, या वाक्य से। तो दोस्तों नॉर्मली भाषा जो होती है कि हमारे जो मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं उनसे ही इनका आरंभ होता है, एंड हम उसको बाद में डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इस ध्वनि का ये मतलब होता है, तो हमारी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड चलिए इसको देखते हैं है कि भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो पहला है कि वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, या वर्ण, शब्द, अनुच्छेद या वाक्य, या शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, या वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो दोस्तों भाषा के जो मेन एलिमेंट्स यानी अभी प्रमुख अवयव हैं वो सभी जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह है कि भाषा का निर्माण होता है। तो पहला है कि अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आँखों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्त ध्वनियों से। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, एंड तीसरा है वाक्य, एंड चौथा है संयुक्त वाक्य। तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है दोस्तों वो होती है आपका ध्वनि यानी कि साउंड। एंड चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मीलिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। पहला है कि संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत, एंड चौथा है हिंदी। तो दोस्तों जो अशोक की शिलालेख में ब्राह्मी लिपि और किस भाषा में उत्तीर्ण है वो, तो वो आपका प्राकृत भाषा में उत्तीर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी इस चैनल पर, एंड अभी ये शुरुआत है, हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। एंड आपको नेक्स्ट टाइम तक आप कमेंट करते हैं तो आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।